हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वीजीए जीनियस क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट इंटू फोर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है ना, हमें प्रूव करना है चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट लाना है। तो क्या करेंगे, ये डी ई और एफ जो है ना मिड पॉइंट है, किसके हैं, ए बी का मिड पॉइंट डी है और बी सी का मिड पॉइंट ई और एफ हमारा ए सी का मिड पॉइंट। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा, वी हैव डी ई एंड एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, तो अगर डी और एफ इसका मिड पॉइंट्स है ए बी और ए सी का, तो डी एफ हमारा बी सी के पैरेलल होगा और बी सी का हाफ होगा डी एफ। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ पैरेलल बी सी एंड डी एफ इक्वल हाफ बी सी, इक्वेशन फर्स्ट। और क्यों होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, अब डी एफ पैरल बी सी और डी एफ इक्वल हाफ बी सी आ गया और आपको पता ई इसका मिड पॉइंट है बी सी का, तो इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी देन बी ई इक्वल हाफ बी सी। देखो बी ई भी हाफ बी सी हो गया और ये भी हाफ बी सी है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, बी ई इक्वल डी एफ, बी ई इक्वल डी एफ हो गया। अब हम क्या करें, ये ट्राइंगल ले लेंगे, देखो ये पैरेलल भी है, पैरेलल भी हम निकाल चुके हैं ना, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल डी एफ ई एंड ट्राइंगल डी एफ ई एंड ट्राइंगल ई बी डी, ई बी डी। ठीक है ना, अब देखिए ये साइड कॉमन है और ये एंगल इसके इक्वल क्या होगा, अल्टरनेटेड डी रहेंगे, तो लिखेगा एंगल वी डी ई, वी डी ई इक्वल एंगल, वी डी इक्वल एंगल एफ ई डी, एफ ई डी। ठीक है ना, और अभी हमने साइड कौन सी ली थी, बी ई इक्वल डी एफ, तो बी ई इक्वल डी एफ हो गया ना, तो लिख दीजिएगा बी ई इक्वल डी एफ, बी ई इक्वल डी एफ अभी फाइंड किया था, और आपका डी ई इक्वल ई डी कॉमन है ना, डी ई इक्वल ई डी कॉमन। ठीक है ना, तो देखो एंगल साइड साइड यानी ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लग गई ना, हेंस ट्राइंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी डी वाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना, ये देखो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, अब हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली जो हमारा डी एफ है ना, अब डी एफ ई इसके भी कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, ट्राइंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ डी ए, एफ डी ए एंड ट्राइंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो ये मैंने इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया इस तरह, इस ये इसके कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा और इसके भी हो जाएगा, तो डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ई एफ, सी ई एफ। ठीक है ना, सिमिलरली कर दिया, एक तो मैंने प्रूव कर दिया, अब इसका सिमिलरली कर सकते हैं। अब ये जब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्राइंगल इसके भी कॉन्ग्रुएंट और इसके भी, तो ये चारों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या पूछा, डिवाइडेड इनटू फोर ट्राइंगल्स, हाइट्स ऑफ ट्राइंगल, हेंस डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ
ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, डिवाइड इट इंटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ।